जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया। इसे लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस बिल का समर्थन निराशाजनक है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। ये जेडीयू के संविधान से मेल नहीं खाता, जिसके पहले पन्ने पर ही 3 बार धर्मनिरपेक्ष लिखा है। हम गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी। इससे पहले सोमवार को सदन में हुई चर्चा में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि हम बिल का समर्थन करते हैं। अगर पड़ोसी मुल्क में सताए गए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाती है तो ये सही है। ये बिल धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल सोमवार रात लोकसभा में पास हुआ। वोटिंग में बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े। ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर पार्टी के इधर उन्होंने राय दी है। 5 मार्च 2019 को मुजफ्फरपुर में पार्टी की छात्र इकाई के कार्यक्रम में प्रशांत ने खुद को किंग मेकर बताया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर सकता हूं, तो बिहार के युवाओं को सांसद, विधायक या फिर मुखिया बनाने में भी मदद कर सकता हूं। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि किसी को ये गलतफहमी ना हो कि वो किसी को सांसद या विधायक बना सकते हैं। लोकतंत्र में मतदाता ही उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। यानी कि अब प्रशांत किशोर की तनातनी क्या नीतीश को महंगा पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। LD News Room की रिपोर्ट।